सब्सक्राइब कीजिए लेजी टेक्नो ट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजी टेक्नो ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं ये कूल पैड डजन वन के बारे में। तो बहुत सारी इसके बारे में बातें हैं, बहुत सारी मतलब बहुत 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 सारी। आई मैं आपके फोन का नल हो गया है, नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं, 11% पे एरर हो जाता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे, फोन ब्रेक हो गया है और जियो का नेट नहीं चल रहा, जियो की कॉलिंग नहीं हो रही। सारे डाउट्स आज इस सिंगल वीडियो में मैं क्लियर करूंगा और कुछ एक स्पेशल सरप्राइज भी आपके लिए। सरप्राइज नहीं मतलब एक तरह से गुड न्यूज है। तो लेट्स बिगिन। पहला बात कर लेते हैं ये सब क्या सीन है कूल पैड डजन वन का। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो कुछ ऐसा है कि पिछले साल मैंने जो मेरे चैनल पे पहला वीडियो था वो यही था कि कूल पैड डजन वन पे जियो की सिम कैसे चला है, क्योंकि इसका जो स्टॉक फर्मवेयर था उस पे जियो का सिम बिल्कुल चल नहीं रहा था। लूप मोबाइल का नेटवर्क शो कर रहा था, एपीएन सेटिंग्स करके हमने सारी देख ली थी, आप यूजर्स को पता ही होगा, और बहुत सारा इधर उधर करके सब देख लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं चल रहा था। तो एट लास्ट क्या करना पड़ा हमें, हमने फोन को किया रूट, इस पे डाला TWRP, फिर किसी डेवलपर ने पोर्ट किया था MIUI 7, 8, फिर कूल UI ये सारा। तो वो हमने उसमें से एक MIUI इंस्टॉल किया इस पे, फिर उसके बाद जियो का नेट उस पे चलने लगा। ठीक है, वो वीडियो अभी मैं यहाँ कार्ड पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा आपने। तो सारा प्रोसेस मैंने बताया, परफेक्टली जियो का नेट चल रहा। बहुत लोगों ने मतलब वो सबसे हाईएस्ट व्यू है मेरा, मेरे चैनल पे जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यू वाला वीडियो है वो वही है। तो वो हो गया एक बात। अब यहाँ पे बात शुरू हुई कि जियो का नेट चलने लगा, सब खुश है, चलो ठीक है। अभी कॉलिंग का पंगा, वोल्टी तो है नहीं इस पे, तो जियो 4G वॉइस के थ्रू कॉलिंग थी करनी है हमें। तो जियो 4G वॉइस के इस पे क्या फिर पंगा आ रहा था, जो सेकंड प्रॉब्लम इस पे आई कि जब आप कॉल कर रहे थे जियो 4G वॉइस के थ्रू, तो वो कॉल ना एक रिंग होके अगले के पास कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही थी। ठीक है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन मैंने बनाया, मतलब वीडियो बनाया सॉल्यूशन के ऊपर कि आप कैसे VPN यूज करके कॉल कर सकते हो और उस एरर को दूर कर सकते हो। उसका भी अभी यहाँ पे मैं कार्ड दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। तो वो थी सेकंड वीडियो। पहला जियो के नेट हमने चलाया इस पे, फिर कॉलिंग भी सही की, फिर इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इस पर रूट वूट TWRP इंस्टॉलेशन MIUI डालना बहुत झंझट वाला काम है, आप लोगों को पता ही है। तो बहुत लोगों का फोन ब्रेक हो जा रहा था, और उसमें क्या था कि MIUI 8 किसी दूसरे मॉडल से पोर्ट किया गया था इस फोन पे। क्यों, देखो पोर्टिंग कैसे होता है, दो फोन्स के जब सेम चिपसेट होते हैं, लाइक इसमें स्नैपड्रैगन का 430 है, नहीं बता रहा हूँ अज्यूम करो, और एक और फोन पे 430 है, तो उस पे अगर MIUI है, जहाँ तक मुझे याद है Redmi 2 से पोर्ट किया गया था, तो उसका इस पे डेवलपर्स ने पोर्ट किया था। तो OTA अपडेट्स उस पे आ रहे थे, तो भाई अपडेट्स तो Redmi 2 के लिए आएंगे ना, क्योंकि उससे पोर्ट किया गया, तो इस पे कैसे रन करेगा। डेवलपर्स ने कुछ मॉडिफिकेशन करके इसके लिए कंपैटिबल किया था, तो कुछ लोग उसे अपग्रेड कर दे रहे थे जिन्हें नहीं पता, मैं उनकी गलती नहीं बोलूंगा, मेरे से भी वही है यार, होता है। तो वो कर दे रहे थे, तो फोन हो जा रहा था ब्रिक। तो यहाँ पे आया तीसरा प्रॉब्लम फोन ब्रिक का, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई कैसे उसे ठीक करना है, उसका भी यहाँ पे अभी कार्ड्स पे मैं दे देता हूँ वीडियो, आप जाके देख सकते हो कैसे उसका स्टॉक फर्मवेयर इस पे इंस्टॉल करना है, ओरिजिनल कूल UI जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी मैंने बताया। तो वो भी सक्सेसफुल रहा, अच्छा खासा उस पे भी व्यू हुआ, बहुत से लोगों की मैं मतलब हेल्प हुई उसके थ्रू। और अब यहाँ पे स्टार्ट होता है चौथा प्रॉब्लम, यही से चौथा प्रॉब्लम क्या था कि जब स्टॉक फर्मवेयर फ्लैश कर रहे थे बहुत लोग, तो उन्हें वियर्ड सा प्रॉब्लम आ रहा था 11% एरर का। बोले तो अगर आपने करा होगा तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं करा उसके लिए बता रहा हूँ क्या हो रहा था। फर्मवेयर YGDP टूल के थ्रू हम फ्लैश कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ के साथ फर्मवेयर फ्लैश होते होते 11% तक गया और रुक जा रहा था। इवन सर्विस सेंटर तक गए बहुत से यूजर्स, मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया यार, मैं मेरी बात भी हुई तो बोला सर्विस सेंटर तक गए, वहाँ भी यही इशू आ रहा है, सर्विस सेंटर भी तो यही मेथड यूज करते हैं ना, तो उनसे भी नहीं हो पा रहा, बोल रहे कि मदरबोर्ड प्रॉब्लम है, बोर्ड चेंज करना पड़ेगा ये वो। तो मैंने बहुत सर्च इधर उधर किया, बट बहुत से सॉफ्टवेयर मिले, मतलब फर्मवेयर मिले, लेकिन मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो लेजिट नहीं है, ऑफिशियल नहीं है,
कैसे कोई सॉफ्टवेयर में इसमें फ्लैश करके देख बताऊं, या कैसे मान लो किसी और का रहा, किसी ने बस ऐसे नाम डाल दिया इसका और अपलोड कर दिया किसी और मॉडल का, तो जो फोन थोड़ा बहुत ऑन भी हो रहा है वो भी चला जाए, तो वो कोई सीन नहीं था। तो अभी मैंने अपने मतलब जहाँ तक मैंने अपने तौर पे रिसर्च की, तो मुझे क्या पता चला कि आप अपना कूल पैड खोलो और अगर आप अभी देख पा रहे होगे तो यहाँ पे पीछे जहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन IMEI वगैरह की, वहाँ पे ऊपर में हार्डवेयर वर्जन HW वर्जन लिखा होगा, वो मेरे फोन में T1 है, ठीक है, और बहुत से के फोन में T2 या T3 होगा, ठीक है। फिर दूसरा चीज है सॉफ्टवेयर वर्जन, जो कि है मेरे फोन में 4.4150, जो कि बहुत के फोन में 4.4120 होगा या फिर 137 होगा या ऐसा कुछ होगा। तो अभी यहीं पे पंगा आ रहा था, पंगा क्या आ रहा था, जिनका हार्डवेयर वर्जन T1 है वो फर्स्ट बैचेस थे कूलपैड डजन मंथ के, और उस पे परफेक्टली फ्लैश हो रहा था और अभी भी हो रहा है, वो फर्मवेयर जो मैंने अभी बताया होम इंस्टॉलेशन की वीडियो आराम से काम कर रहा है हार्डवेयर वर्जन T1 पे। अगर आपके साथ भी 11% वाला एरर हुआ है तो आप एक बार देखना और मुझे कंफर्म करना नीचे कमेंट्स में कि आपका हार्डवेयर वर्जन क्या है। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो T2 या T3 होगा, इसीलिए वो तरीका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का काम नहीं कर रहा आप पे। तो अभी एक और तरीका मैं बताता हूँ, अगर बाय द वे T1 है और फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो T1 का दो मॉडल है जिसका लिंक आप उस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक 4.120 वर्जन है, 4.4120, एक 4.4150। तो आपको देखना आपके फोन का सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, जैसे मेरे फोन का 150, तो मैं क्या इंस्टॉल करूंगा 150, 120 ट्राई करूंगा, नहीं हुआ तो 150। वैसे ही अगर आपका फोन का 120 तो आप ट्राई करना 120, नहीं हुआ तो 150, लेकिन जो कंपैटिबल है वही देख के आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। और जहां तक हार्डवेयर वर्जन T2 और T3 की बात है, तो उसका तो अभी तक मुझे कोई सॉल्यूशन मिले ही नहीं यार, बताया ना कुछ फर्मवेयर मिले बट वो लेजिट नहीं है, तो मैं नहीं बता मतलब कुछ ट्राई करने का डेयर नहीं कर सकता कुछ अगर हो गया तो, क्योंकि वो डायरेक्ट EMC पे फ्लैश होता है, कोई रोम वगैरह नहीं है जो हम ठीक कर लेंगे। तो ये तो हो गई इसकी बात, चार प्रॉब्लम्स थे ये सारे बता दिए। अभी पांचवा प्रॉब्लम क्या आ रहा था, IMEI बहुत लोगों का चलते चलते फोन मतलब चल रहा है IMEI गायब, IMEI नल हो गया, IMEI नल हो गया तो क्या टावर्स नहीं आ रहे हैं, सिम काम नहीं कर रहा है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, अगर हुआ है तो नीचे बताओ मुझे कमेंट्स पे। तो बहुत लोगों को मैंने पर्सनली, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई इस पे, पर्सनली मैंने जिन्होंने मुझे मैसेज किया फेसबुक पेज पे, मैं बार बार बोलता हूँ वहाँ पे मैं ऑनलाइन रहता हूँ हमेशा, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जरूर फॉलो करो, और कुछ भी डाउट है तो कभी भी पूछो मुझसे। और यूट्यूब कमेंट्स पे क्या होता है कि पार हो जाते हैं, और कौन से वीडियो पे कौन कमेंट कर रहा है मैं फिर भी रिप्लाई करता हूँ लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। फेसबुक पे क्या है ना, वो बिल्कुल एकदम सीरीज वाइज रहता है, किसने पहले किया किसने बाद में किया, तो वो तो इसीलिए मैं वहाँ पे सबको रिप्लाई कर पाता हूँ। तो बहुत लोगों को मैंने बताया था कि कैसे इसे सॉल्व करना है, तो आपको भी अभी बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ इस फोन पे, ये जो भी फोन आपको देख रहा है इस फोन पे भी ये इश्यू हुआ है। तो क्या हुआ, अचानक चलते चलते फोन IMEI नंबर नल हो गया, तो क्या करूँ, मैंने दूसरी कस्टम रोम डाली वो भी नहीं हुआ, तो मैंने बहुत सारी क्वालकॉम की जो IMEI राइटर्स होती है वो ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब वियर्ड टाइप के स्टेप्स हैं, मुझे नहीं लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो कोई कर पाएगा, उल्टा और फोन प्रॉब्लम आया, क्योंकि जब मुझसे नहीं हो पा रहा था बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसी टाइम मैंने एक इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ा, वहां पे पता चला कि जो फर्मवेयर की मैंने वीडियो बनाई थी, फर्मवेयर स्टॉक फर्मवेयर बिल्कुल ऑफिशियल वाला इंस्टॉलेशन की, वो इंस्टॉल करोगे तो आपका IMEI नंबर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो IMEI की एक फाइल होती है .qcn, वो वहां पे एग्जिस्ट करती है बट मतलब एग्जिस्ट सॉरी वहां से हट जाती है, इसीलिए ये ऐसा होता है जहां तक मुझे नॉलेज है। तो फर्मवेयर आप इंस्टॉल करोगे तो वो वापस आ जाएगा, तो IMEI भी आपका वापस रिस्टोर हो जाएगा आपके ओरिजिनल फर्मवेयर के साथ में, जो कि मैंने इस फोन पे किया, ठीक है, जो कि मैंने इस फोन पे किया, इसका भी IMEI नंबर चल गया था उस टाइम, ये फोन MIUI 8 पे रन कर रहा था, ठीक है। तो
मैंने इंस्टॉल किया फॉर्मवेयर, कैसे किया तो मैंने बताया, आप वीडियो है ऊपर कार्ड्स पे फॉर्मवेयर इंस्टॉलेशन की YGDB टूल के थ्रू, तो उस मेथड से मैंने भी इस पर इंस्टॉल किया, और क्योंकि हार्डवेयर वर्जन T1 है तो आराम से फ्लैश हो गया। अब फोन ऑन हुआ, स्टॉक फॉर्मवेयर पे तो जियो का नेट चलता नहीं, आप लोगों को पता है, मैं भी पूरा थक गया था, बट पता नहीं कहाँ से मैंने सोचा एक और ट्राई करता हूँ। तो मैंने अपना यूरेका प्लस उठाया, उसके जियो की एक्सेस पॉइंट सेटिंग्स खोली और सेम सेम इस पे ऐड करने लगा APN सेटिंग जैसा जैसा उस पे था, और कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस किया मैंने, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा वीडियो में क्या क्या किया और कैसे किया। ठीक है, ये किया, कर दिया मैंने सेव APN और एक्टिवेट कर दिया, और क्या देखता हूँ मैं कि यार नेट चलने लगा इस पे, लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो, मैंने फटाफट से रिबूट किया, सीधा सिम निकाला, फिर डाला, फिर दूसरा सिम डाला जियो का, सारा सिम मतलब चलने लगा यार, I'm shocked, पता नहीं कैसे चल रहा था, जबकि मैंने ये फॉर्मवेयर भी बहुत बार डाल के देखा था, फिर भी पता नहीं, और कोई नया फॉर्मवेयर नहीं है, कोई अपडेट नहीं आया, वही पुराना फॉर्मवेयर है जो इसके साथ आया था, जिसमें नहीं चल रहा था सिम उसी पे चल रहा है, मतलब सॉरी, जिसपे जियो का सिम नहीं चल रहा था उसी पे चल रहा है, बताओ। तो मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अपने कजन को बोल रहा था कि आप सेल कर दो, क्या करोगे, और वो भी सेल किसको करे, कौन लेगा आज के टाइम में ये फोन जिसपे जियो नहीं चलता है 4G होने के बाद, तो वो बात है। तो चलने लगा, अभी मैंने सोचा कि एक जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो चेक करते हैं, जियो 4G वॉइस काम कर रहा है कि नहीं, वोल्टी तो नहीं है इस पे, तो मैंने फटाफट से जियो 4G वॉइस इंस्टॉल किया। अब जियो 4G वॉइस मैंने इंस्टॉल किया तो वो कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, चलो अच्छा है। क्या प्रॉब्लम थी हमें जियो 4G वॉइस में, कॉल करते थे तो कट जाता था, हमें VPN यूज करना पड़ता था उससे ओवरकम करने। अभी मैंने कॉल किया, लो कॉल भी लग रही है अच्छा खासा, मतलब I'm shocked यार, इसकी स्टॉक फॉर्मवेयर पे ऑफिशियल कूल UI 6 नहीं, जो मैंने बताया था वीडियो, तो UI 6 की वीडियो आप यहाँ देख सकते हो, वो नहीं, वो भी पोर्ट की गई थी कूलपैड के किसी दूसरे फोन से, इसकी ओरिजिनल फॉर्मवेयर पे जियो का नेट और कॉलिंग चल रहा है, बताओ। तो लाइक सरप्राइज था मेरे लिए, तो वो भी खुश है, उसने बोला चलो भाई पैसे बचा दिए तूने मेरे, तो वही मैंने सोचा कि अभी फटाफट आपसे शेयर कर देता हूँ ये बात, क्योंकि आप लोगों के लिए भी, कूलपैड यूजर्स के लिए जो डायमंड वन के परेशान है, उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा, और साथ ही साथ कुछ डाउट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। तो अभी आगे क्या है कि मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी कैमरा यहाँ टेबल पे माउंट करूंगा ट्राई, और फिर आपको ट्राइपॉड लगा के दिखाता हूँ कि कैसे इस पे जियो का नेट चल रहा, क्या है पेन, मैंने सेटिंग्स की, जियो 4G वॉइस परफेक्टली काम कर रहा, सारा कुछ मैं दिखा देता हूँ, और बस वीडियो में इतना ही था, अभी हम जाके उसे देखते हैं। और इसके अलावा कुछ आपको डाउट्स हो गए तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना मुझे, और फेसबुक पे जरूर फॉलो करो, अगर कोई भी डाउट हो मैं 100% वहाँ पे आपकी हेल्प कर पाऊंगा, कमेंट्स में बहुत दिक्कत हो जाता है यूट्यूब पे। देखते हैं अभी वो वीडियो, इसका स्टॉक फॉर्मवेयर वाला। तो फ्रेंड्स ये है कूलपैड Dyson 1 मेरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हार्डवेयर वर्जन और सॉफ्टवेयर वर्जन जो मैंने बताया वही है। तो अभी इस पे मैंने स्टॉक फॉर्मवेयर इंस्टॉल कर लिया, और इस पे जियो की नेट और कॉलिंग परफेक्टली चल रही है, तो वो मैं आपको बूट करके बिल्कुल बिगिनिंग से दिखाता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है। मैं तो सरप्राइज हूँ कैसे ये काम कर रहा है यार, अब कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका भी कर जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके साथ मैंने शेयर किया। ये देखो बिल्कुल स्टॉक एनिमेशन जो कूल पैड का है सारा कुछ, तो वही मैं बोल रहा था, अगर आपके साथ भी इन तरीकों से काम कर गया तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। तो ये अभी बूट हो रहा है, इसका स्टॉक फॉर्मवेयर है, और बहुत गंदगी लगी है फ़ोन का, थोड़ा वाइप कर देता हूँ। तो ये देखो ये बूट हो गया, देखो बिल्कुल स्टॉक है, और ये देखो 4G जियो का सिम लगा है, ठीक है, और ये डेटा का आपको साइन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो डेटा का साइन दिख रहा है परफेक्टली यहाँ पे, ये देखो मतलब नेट चल रहा है, एक बार नेट खोल के दिखाता हूँ मैं, और ये कूल UI 6 नहीं है, इसका ऑफिशियल जो फर्मवेयर है वो है, अच्छा ये यही बताया, यू हैव एग्जॉस्टेड योर अकाउंट बैलेंस इसीलिए नहीं खोल रहा,
मतलब नेट चल रहा है, आप ये देख सकते हो जियो 4G वॉइस इंस्टॉल्ड है, ऑनलाइन है, परफेक्टली कनेक्टेड। ऐसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे डायल करते हैं 198। इस पर मैंने रिचार्ज नहीं करा रखा है मेरा सिम पे, तो कॉल शायद ना लगे, पता नहीं, देखते क्या होता है। कनेक्ट तो हो गई ना एटलीस्ट। लो बैटरी, कंटिन्यू करो यार। सॉरी फ्रेंड्स फॉर द फोकस इश्यू। तो देखो ये काम कर रहा है, तो कॉलिंग भी काम कर रहा है इसका। एक बार सेटिंग्स पे मैं जाके अबाउट फोन में आपको दिखाता हूँ यार, फोकस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फोन कॉन्फ़िगरेशन इन्फो, ये आप अगर देख पाओ तो ये इसका स्टॉक, देखो OS है। और मैंने वर्जन 120 इंस्टॉल करके रखा है, जबकि मेरे फ़ोन पे पीछे 150 लिखा था। तो वही मैंने बोला, आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या सेटिंग्स की थी मैं दिखाता हूँ फटाफट से, और वीडियो को एंड करते हैं, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो सबसे पहले मैं गया था मोबाइल नेटवर्क्स पे, यहाँ पे कार्ड वन पे जियो लगा हुआ है, तो वो मैंने सेलेक्ट किया। डेटा रोमिंग मैंने ऑन किया, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग्स देख लो, 4G 3G 2G प्रेफर्ड है। ये फोकस का बहुत इश्यू हो रहा है यार आज। तो ये है, इसके बाद एक्सेस पॉइंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये APN मैंने बना रखा है, इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या सेटिंग्स की है। तो नेम जियो इंटरनेट लिखना, APN जियो नेट, प्रॉक्सी नॉट सेट होगा, पोर्ट नॉट सेट, यूजर नेम नॉट सेट, पासवर्ड नॉट सेट, सर्वर नॉट सेट, MMSC नॉट सेट, MMSC प्रॉक्सी पोर्ट नॉट सेट, MCC 405 होगा, MNC 856 होगा, ऑथेंटिकेशन टाइप नन होगा, APN टाइप डिफॉल्ट कॉमा SUPL होगा। ये देखो इस तरह से, APN प्रोटोकॉल IPv4 IPv6 बैरियर अनस्पेसिफाइड, PPP कॉल नॉट सेट, डेटा बैरियर। इस तरह से आप, ये पैकेज स्विच डोमेन होगा, इसे पूरा क्लियर करके ओके करके नॉट सेट कर देना, और MVNO टाइप नन, और फिर होम पेज कुछ जरूरत नहीं है, और सेव पे क्लिक कर देना, और उसके बाद एक्टिवेट कर देना। इतना ही मैंने किया था और चलने लगा। अभी आपका नहीं होगा तो पता नहीं क्या पंगा है, लेकिन मेरा इतना पे ही चलने लगा। तो यही है अब सारा सीन। तो होप के फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, स्पेशली कूल पैंट एज एन वन यूजर्स। आपका एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे जरूर, और शेयर कर दो अपने जितने भी डायजन वन के फ्रेंड्स हैं उनके साथ। और नीचे सोशल मीडिया का लिंक है, उसे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए गुड बाय।